हेलो दोस्तों, नमस्कार। आफ्टर लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूं। वैसे मेरा वीडियो बनाने कोई प्लान नहीं था, बट इस प्रोडक्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अजीब रहा कि मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो ये प्रोडक्ट है इसको लेने का प्लान बना रहे हों, तो इस वीडियो से थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और मैं बताती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस प्रोडक्ट के साथ और आपको इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले इस प्रोडक्ट को देख लीजिए। देख के आप समझ गए होंगे ये एक मस्कारा है जो कि मार्स का है, और फर्स्ट टाइम मैंने मार्स का मस्कारा ट्राई किया। नाम देख सकते हैं, ये मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा है, और ये लेंथ एंड वॉल्यूम दोनों प्रोवाइड करवाता है, जैसे ऐसा इस पर क्लेम है। और बात करें इसकी प्राइस की, तो दोस्तों ये करीब 250 रुपये के अराउंड मुझे पड़ा हुआ था। मार्स है, स्विस ब्यूटी है, कुछ इस तरह के ब्रांड हैं। इनके प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा चीप क्वालिटी होती है। चीप से मेरा मतलब ये है कि काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं ये, तो हमारे बजट में आ जाते हैं। स्पेशली जिनका भाई ज़्यादा बजट नहीं होता है, तो उनके लिए इस तरह के जो ब्रांड हैं बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट निकालते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट सस्ता है तो अच्छा भी हो। कई बार कुछ प्रोडक्ट अच्छे निकलते हैं बट कुछ नहीं निकलते हैं। बात करूँ इस प्रोडक्ट की, सबसे पहले आप देख लीजिए इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस जिस हिसाब से इसका प्राइस जो है 250 रुपये है, 250 रुपये के हिसाब से प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं अंदर जब आपको निकाल के दिखाऊँगी तो आपको लगेगा कि हाँ, डेली में पैकेजिंग जो है काफ़ी ज़्यादा लग्जेरियस इसकी पैकेजिंग है। देख लीजिए कुछ इस तरह का है पूरा, भाई वेलवेट का फोम बना के रखा है इन्होंने इसके पूरा, इसके जो इसका शेप है, जो इसका आकार है उसके हिसाब से। और मस्कारा जो है कुछ इस तरह का दिखता है, सिल्वर और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, और बहुत ही ऊपर से तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पैकेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये जो मस्कारा है। बट हमें तो भाई पैकेजिंग से ज़्यादा हमें जो काम होता है, हमें प्रोडक्ट के वर्किंग कंडीशन से होता है कि भाई प्रोडक्ट किस तरह से हमारे ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि हम तो अपने मतलब ज़रूरत के हिसाब से किसी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, तो हमें तो उसी से ही मतलब होता है। और पैकेजिंग तो खैर ठीक है, देख सकते हैं पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, काफ़ी बड़ा मस्कारा है, और इसमें अमाउंट भी काफ़ी अच्छा खासा आपको अमाउंट मतलब 15 ml इसमें आपको क्वांटिटी मिल जाती है, जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी है। दोस्तों, अब इसे मैं ओपन करके इसका जो एप्लीकेटर है मैं इसे भी मैं दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं इसका जो एप्लीकेटर है कुछ इस तरह का एप्लीकेटर है, काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे कि मेबलिन का जो मस्कारा आता है, स्काई हाई मस्कारा मेबलिन का है। दोस्तों, वो मस्कारा भी मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप उसका भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देख लीजिए इसका एप्लीकेटर कुछ इस तरह का है, पूरा ब्लैक कलर है, अच्छी खासी इसमें क्वांटिटी मिल जाती है। तो दोस्तों, बात करूँ बाकी तो सारी चीज़ें इसकी अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। असली जो प्रॉब्लम है भाई इस मस्कारा को लगाने के बाद शुरू होती है। मेरा जो मैं एक लाइन में बताऊँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इस मस्कारा के साथ बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा। बहुत जैसा कि इसमें आप एक डबल ट्रबल दिख रहे हैं, तो मेरे साथ तो भाई डबल तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ट्रबल ज़रूर हुआ है मेरे साथ इस मस्कारा को लगाने के बाद। जब आप इसे अप्लाई करोगे नो डाउट अच्छे से अप्लाई हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लेंथ भी दिखने लगती है हमारे आई लेसेस में, काफ़ी अच्छा लगता है। असली जो मुझे प्रॉब्लम दोस्तों इसके साथ समझ में आती है वो है इसको हटाने का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। जब आप इसे लगा लोगे, जब मैंने इसे अप्लाई किया मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बट जब कुछ देर बाद क्या हुआ कि मेरी जो लेसेस थी काफ़ी ज़्यादा चिपकने लगी और काफ़ी क्लम्पी हो गई। और जब मैं इसे रिमूव कर रही थी, ट्रस्ट में ये रिमूव ही नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा जस्ट लाइक कि कोई ग्लू मतलब आई लेसेस पे चिपक गया हो। और जाहिर सी बात है जो हमारी आई लेसेस होती हैं एक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एरिया होता है भाई, बहुत ज़्यादा हम ऐसा मतलब इसमें रब नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम ऐसा कुछ जोर लगा के रगड़ के तो हम हटा नहीं सकते हैं, हमें सॉफ्टली ही करना पड़ता है। मैंने वेट वाइप से
रिमूवर से भी भाई ट्राई कर लिया, ये हटा ही नहीं, मुझे बहुत दिक्कत होने लगी। और जब आप इसको अप्लाई करोगे तो कम से कम 2 दिन तक ये आपके आई लेसेस पे भाई रहेगा, निकलेगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, ज़्यादा अगर भाई हम जोर लगाएंगे तो हमारी जो आई लेसेस हैं वो टूटने का डर रहता है। मेरे साथ तो खैर हो चुका है, इसको जब हटाने की मैं कोशिश कर रही थी 3-4 मेरी आई लेसेस थी भाई वो निकल आई, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, हमारे आई लेसेस ऑलरेडी बहुत कम होती हैं, तभी तो हम मस्कारा या इस तरह की चीज़ें हम ढूंढते हैं कि थोड़ा सा भाई हमें खुली खुली अच्छी हमें आई लेसेस मिल सकें। क्योंकि हमारी मेकअप में 4 चांद लगाती हैं और मुझे तो मस्कारा लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बड़ी आई लेसेस मुझे भी अच्छी लगती हैं। लेकिन भाई अगर कुछ इस तरह के मस्कारा हम यूज़ करते हैं और हमारे आई लेसेस को ही अगर वो निकाल दें तो फिर बाद में मस्कारा की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी, हमारी अगर आई लेसेस बचेंगी ही नहीं। तो इस मस्कारा के साथ सेम चीज़ है भाई, जल्दी बिल्कुल आई लेसेस से हटता ही नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है इसको निकालना, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। और एक यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस मस्कारा का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मजबूर हो गई कि भाई बिल्कुल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप सस्ते के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। और दोस्तों एक चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मैं मेकअप की वीडियो बनाती रहती हूँ, 2 साल से मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ जरूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि डेली वेयर के लिए कभी भी आप वाटरप्रूफ मस्कारा कभी भी ना लें, ना यूज़ करें। क्योंकि ये इस तरह के वाटरप्रूफ मस्कारा होते हैं, जैसा कि मैबेलिन का लैस पैराडाइज एक मस्कारा आया था करीब 1 साल पहले, आप सामने स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये मस्कारा भी मैंने लिया था। और इस मस्कारा को मैंने सिर्फ इसलिए यूज़ करना बंद कर दिया कि इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, ये भी वाटरप्रूफ था भाई, एकदम आई लेसेस से हटता ही नहीं था। मैंने बंद कर दिया, मैंने किसी अपने फ्रेंड को दे दिया, नहीं यूज़ किया। मुझे वाटरप्रूफ मस्कारा बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ है, क्योंकि उनके साथ सेम प्रॉब्लम है, जल्दी हटते ही नहीं, इस चक्कर में हमारी आई लेसेस जो हैं टूट जाती हैं भाई मुश्किल से। तो थोड़ी बहुत आई लेसेस हैं, अगर वो भी टूट टूट के ऐसे निकल जाएंगी तो इस तरह के मस्कारा का क्या काम रह जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डेली वेयर में बिल्कुल, अगर आप ऑफिस गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो इस तरह के वाटरप्रूफ मस्कारा बिल्कुल भी आप यूज़ ना करें। हाँ, कभी कभार अगर हमारे घर में फंक्शन है, शादी है, पार्टी है, तो ठीक है आप वाटरप्रूफ लगा सकते हो, बट डेली वेयर के लिए बिल्कुल ना आप इस तरह के मस्कारा यूज़ करें। मैं इस मस्कारा को मैंने डेली वेयर के यूज़ के लिए ही लिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं वीडियो बनाती हूँ, रील्स वगैरह बनाती हूँ, तो मुझे डेली मुझे चाहिए होता है, तो मैं वाटरप्रूफ तो मस्कारा बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकती भाई। इस तरह से यूज़ करूँगी तो 2-3 दिन बाद ही, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ में ही मेरे बहुत सारे आई लेसेस टूट के मेरे आधे तो मेरे खाली हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है मुझे इस तरह के मस्कारा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं वाटरप्रूफ मस्कारा दोस्तों यूज़ ही नहीं करती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे ऐसा मस्कारा अच्छा लगता है जिनको मैं लगाऊं और अगर मैं अपना फेस में वॉश करूं तो इजीली वो मेरे आई लेसेस से, मेरे आँखों से पूरा मस्कारा हट जाए। जैसा कि बेनिफिट का बैड गर्ल मस्कारा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक ये रीज़न भी है कि मुझे वो मस्कारा बहुत पसंद है दोस्तों। उसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा लिया था, सामने आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये मस्कारा भी बहुत बेस्ट है, ऑलमोस्ट ड्यूप है बेनिफिट के बैड गर्ल मस्कारा का। और मेरी फॉल्ट थी कि मैंने उसको रिप्लेस करके, मैंने सस्ते के चक्कर में आप बोल सकते हो कि मैं सोचा कि चलो ठीक है इसको ट्राई कर लेती हूँ। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं कि इतना हाइप भी बना देते हैं कि इस चक्कर में हम भी ले लेते हैं, बट ट्रस्ट मी मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ इस मस्कारा को लेने के बाद। बात प्राइस की नहीं है, बात तो वर्किंग कंडीशन की होती है भाई। अगर प्रोडक्ट सही से, चलो काम भी सही से कर दिया, बट वही है कि उसके बाद अगर उसका रिजल्ट ख़राब निकलता है और कुछ ऐसा जैसे कि इसके साथ है कि भाई हट ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है हम इरिटेट हो जाते हैं बिल्कुल, ऐसा प्रोडक्ट हम यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल इस तरह के वाटरप्रूफ मस्कारा आप बिल्कुल ना खरीदें, ये वाला मस्कारा तो बिल्कुल भी ना खरीदें, आप परेशान हो जाओगे, हटेगा नहीं, ग्लू बन के चिपक जाएगा आपके आई लेसेस पे, आप बहुत परेशान होगे, आपकी आई लेसेस भी चांस है कि बहुत ज़्यादा आई लेसेस भी आपकी टूट जाएंगी। तो ये मस्कारा बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया, बहुत फुल रिग्रेट हुआ मुझे इसको लेने के बाद। यही रीज़न है कि मैं इसका रिव्यू आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप अच्छा सा कोई बढ़िया मस्कारा अगर आप ढूंढ रहे हो तो वेट एंड वाइल्ड का जो मस्कारा सामने स्क्रीनशॉट देख रहे हो आप, ये ले सकते हो। अगर आपका बजट ज़्यादा है, अगर अच्छा बजट है, तो सिंपली आप बेनिफिट का मस्कारा जो है आप उसे ट्राई कर लो, बेस्ट है आपके लिए अगर आप कभी कभार आप लगाना पसंद करते हो। तो ये वाला मस्कारा बिल्कुल भी ट्राई ना करें, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये, मतलब आप बिल्कुल पैकेजिंग पे प्राइस पे बिल्कुल सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, नहीं जाइएगा, ये आपको लेने के बाद बहुत, मतलब आप इरिटेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, हटेगा नहीं। मेरे तो आई लेसेस में मुझे जलन भी होने लगा, बहुत गड़ने लगा, एकदम पूरी मेरी आई लेसेस चिपक गई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी इसको लगाने के बाद। फिर इसका मैंने लगाया ही नहीं, मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, मुझे अपने सब्सक्राइबर के साथ भी इसका रिव्यू शेयर करना चाहिए कि अगर हो सकता है आप लोग, मुझे बहुत सारे लोग इसे लेना चाह रहे हों, तो प्लीज़
बिल्कुल ट्राई ना करें। ये था मेरा आज का रिव्यू इस प्रोडक्ट के साथ, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेकार रहा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, फुल रिग्रेट है। आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी इसे ट्राई ना करें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।